स्वागत है आप सभी का आज़ादी रिपोर्टर जमशेदपुर के इस ख़ास लाइव में। और एक बहुत बड़ी ख़बर आप लोगों के समक्ष लाइव आकर देने जा रहा हूं। ये नेशनल हाईवे 33 टाटा रांची हाईवे मार्ग है और फिलहाल ये लगभग आधे से एक घंटे से जाम है। और जिस तरह से यह मामला प्रकाश में आया है, ज़िला प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर हरकत में भी आई है। स्कॉर्पियो गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये दिलीप महतो की स्कॉर्पियो गाड़ी है जो लगभग 24 घंटे से यहीं पर खड़ी है। कल दोपहर के 1 बजे दिलीप महतो अपने घर से बाहर निकले थे और स्कॉर्पियो गाड़ी उनकी यहीं पर मिली, जिसके बाद वो गाड़ी से गायब हैं। परिवार के लोग, परिजनों के द्वारा और सभी बस्तीवासियों के द्वारा टाटा रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है और पूरी तरीके से ये रास्ता बंद है, ये हाईवे जाम है। देखिए स्थिति क्या है, दोनों तरफ जो है टायर में आग लगाई गई है, जलाए गए हैं। और इस तरफ का ये सड़क आप देख रहे हैं, चाहे दोनों तरफ की सड़कें आप देखेंगे, दोनों तरफ से गाड़ियां पूरी तरीके से बंद है, आना जाना पूरी तरीके से बाधित है यहां पर और पूरी हाईवे को जाम किया गया है। और परिवार वालों की मांग है कि 24 घंटे हो गए दिलीप महतो को गायब हुए, लेकिन अब तक कोई बरामदगी उनकी नहीं हुई है। ज़िला प्रशासन आखिर किस प्रकार से काम कर रही है, किस तरह से उनका कार्य चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें अनहोनी की आशंका है। क्योंकि जिस स्थिति में उनकी गाड़ी मिली है, वो घर से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर निकले थे, लेकिन उनकी कार तो यहाँ पर है, लेकिन दिलीप महतो उस गाड़ी में है नहीं, वो गायब हैं। तो अनहोनी की आशंका परिवार वालों के द्वारा, परिजनों के द्वारा जताई जा रही है और इसी को लेकर लगातार ये लोग पुलिस से, प्रशासन से जो कार्रवाई की मांग कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे, और इसी को लेकर आज हाईवे को जाम कर दिया गया है। लगभग 1 घंटे से ये हाईवे पूरी तरीके से बंद है। टाटा रांची जाने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सूचना भी है ये कि जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वो घरों पर ही रहें, क्योंकि पूरी तरीके से हाईवे बंद है, ये पूरी हाईवे जाम हो चुकी है। और जिस तरह से एक घटना हमने इससे पहले आपको दिखाई थी, जमशेदपुर के ही संजय सोरेन का मामला आया था जो 2 महीने से लगभग लापता था। संजय सोरेन की हत्या भी हुई थी, कहा गया था, ये आशंका जताई जा रही थी, परिवार वालों का आरोप था। 2 महीने के बाद संजय की लाश मिलती है डिमकाडी के पहाड़ी के ऊपर। और यह मामला जो 24 घंटे हुए इस मामले को लेकर दिलीप महतो के, इस मामले में अब परिवार वालों ने, परिजनों ने हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। यहाँ पर पुलिस पहुँची है और फिलहाल तलाशी ली जा रही है। जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसे देखा जा रहा है कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पर किसी भी तरह की सबूत मिलती है कि नहीं। हम लोग अलग से खूब मुट्ठी लगा करके भी कोशिश करते हैं। नहीं, उन्होंने तो माने कुछ, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कुछ देखिए, यही स्कॉर्पियो गाड़ी है जो दिलीप महतो की गाड़ी है और इसी गाड़ी में वो सवार थे, कल घर से अपने निकले थे और लगभग 24 घंटे उन्हें होने वाले हैं, 1 बजे के बाद से वो घर से निकले थे और उसके बाद लापता हुए थे। और परिवार वालों का कहीं ना कहीं यह आरोप है कि किसी भी तरह की उनके साथ अनहोनी घटी है, क्योंकि उनकी गाड़ी तो यहाँ पर है लेकिन दिलीप अपनी गाड़ी में नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं ज़िला प्रशासन की कार्रवाई को लेकर। और ज़िला प्रशासन, फिलहाल पुलिस के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, जाँच की जा रही है। और तमाम लोगों ने जो है हाईवे को जाम किया हुआ है और जिस तरह से ये मामला प्रकाश में आया है, सामने आया है, और परिवार वालों की अनहोनी की आशंका जो है वो जताई जा रही है कि जिस तरह से दिलीप महतो गायब हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ भी घटना, दुर्घटना घट सकती है। तो ये लाइव तस्वीर विजुअल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोकेशन आपका, आप टाटा रांची हाईवे, जैसे ही आप काली मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर टाटा हाईवे के पास की ये घटना है। और पूरी गाड़ी लाइन में लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक दोनों तरफ
रांची की तरफ, टाटा की तरफ, दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई है, जाम में फंसी हुई है। अच्छा, इसका कोई चाबी मिलेगा, एक्स्ट्रा चाबी? नहीं है, वो तो कल हम लोग कोशिश किए। चलिए हम परिवार के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला है। देखिए, यहाँ पर कुछ परिजन हैं, परिवार के लोग भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और लगातार ज़िला प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि जिस तरह से दिलीप महतो गायब हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए, निकाला जाए, क्योंकि 24 घंटे होने को हैं और उनकी गाड़ी यहाँ पर है लेकिन दिलीप महतो अपनी गाड़ी में नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, जिस तरह से ज़िला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई और दिलीप को ढूंढा नहीं गया, लेकिन 24 घंटे अब हो चुके हैं। खगेन जी हमारे साथ हैं, खगेन जी से हम बात करेंगे, परिवार के सदस्य हैं। खगेन जी, क्या मामला है, पूरा मामला बताइएगा। देखिए, हमारा दामाद थे दिलीप महतो, सामाजिक कार्यकर्ता थे और हाईवे वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष थे। इनके गांव बिरिगोड़ा से वो अपना ऑफिस से खाना खा के निकले थे, जमशेदपुर की ओर जा रहे थे, लगभग 12:30 के पास। उनके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है और वो गाड़ी लापरवाही के तौर पर ATCI पुलिया के पास मिला है। और उस अगल बगल का CCTV फुटेज खंगालने से ये संदेह हो रहा है कि ये कहीं न कहीं उनका अपहरण की आशंका है। इससे उनके जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो थे और जिला परिषद का चुनाव भी लड़े थे 2 बार और काफ़ी सक्रिय रहते थे सामाजिक कार्य में, जिसके चलते उनके समर्थक और उनके शुभचिंतक, उनके परिवार के लोग आज सड़क पर बैठे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमें दिलीप ला दो, सही सलामत दिलीप ला दो। परिवार के लोगों से हम बात कर रहे थे और खगेन जी ने जैसा कि बताया कि दिलीप महतो कल अपने घर से लगभग 12:30 से 1 बजे के करीब वो खाना खाकर निकले थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो दो मरतबा वो ज़िला परिषद का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, जिसके साथ ही कई सारे उनके चाहने वाले थे, समर्थक हैं, जो आक्रोशित है, गुस्से में हैं इस चीज़ को लेकर कि दिलीप महतो आखिर लापता और गायब कैसे हुए, क्योंकि उनकी गाड़ी यहीं पर है और वो गाड़ी में नहीं है। और ये एक तरह के से कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि किसी भी तरह की उनके साथ अनहोनी तो नहीं घटी, अनहोनी की आशंका ये लोग जता रहे हैं। और जिसके बाद ही इन लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया है। पुलिस के लोग, SDPO चांडिल, सभी लोग यहाँ पर, बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। इस बात की जाँच की जा रही है, गाड़ी की छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई सबूत मिले जिसमें जिसके बाद वो लोग आगे की कार्रवाई कर सकें। तो लगातार देखिए, ये हाईवे पूरी तरीके से बंद है और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सूचना और ख़बर है कि जो लोग अपने घरों से बाहर टाटा के लिए, रांची के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कि फ़िलहाल आप अपने घर पर ही रुकें, क्योंकि ये हाईवे लगभग 1 घंटे से जाम है और आगे कितनी देर जाम रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों तरफ लोग आग लगाकर यहाँ पर टायरों में बैठे हुए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जो लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दिलीप महतो को खोजा जाए, निकाला जाए, क्योंकि 24 घंटे होने को हों और परिवार के लोगों को जो आशंका है, जो अनहोनी की आशंका है, कहीं ना कहीं उसी का डर परिवार के लोगों को है और ज़िला प्रशासन के द्वारा एक बेहतरीन जांच की मांग कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जाए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। इस खबर के साथ हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट हमारे पास आएगी तो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।